हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वशिष्ठ आपका फ्रेंड। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि जो चार रेप एक्यूज थे, रेप केस में एक्यूज थे, उनका पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएँ और एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द तेलंगाना हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे 6 दिसंबर 2019, जो कि कल का दिन था, कल ही तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मैटर का कोग्निजेंस ले लिया है। ऑफ आ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड बाय द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस रिक्वेस्टिंग जुडिशियल इंटरवेंशन रिगार्डिंग द एनकाउंटर किलिंग ऑफ द फोर वर्कर्स, कि जो पुलिस एनकाउंटर हुआ है उसके रिगार्डिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट को रिक्वेस्ट मिली थी कि इसके रिगार्डिंग कोग्निजेंस लें। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग कोग्निजेंस ले लिया है। हु वर एक्यूज ऑफ रेपिंग, मर्डरिंग एंड बर्निंग दी बॉडी ऑफ 27 ईयर ओल्ड हैदराबाद बेस्ड वेटरेरियन। तो जो इनके ऊपर ये सारे के सारे आरोप लगे थे इस केस में, इनका एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया है। पुलिस के द्वारा ये कहा गया कि जब पुलिस वहाँ पे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए गई थी, तो उन्होंने पुलिस से उनका वेपन छीना और भागने की कोशिश की। एडवोकेट जनरल जो हैं तेलंगाना के, वो अपियर हुए डिविजनल बेंच के सामने वो फ्राइडे इवनिंग को 8 बजे एंड इन्फॉर्म्ड द बेंच दैट द पोस्टमार्टम ऑफ द फोर एक्यूज्ड इज़ बीइंग डन एट महबूब नगर एंड बीइंग वीडियोग्राफ्ड। तो जो एडवोकेट जनरल हैं तेलंगाना के, वो हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने शाम को 8 बजे अपीयर हुए और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पोस्टमार्टम हो चुका है चारों डेड बॉडीज़ का और महबूब नगर जो जगह है वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है और पूरे के पूरे पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ भी करवाया गया है। कि बाद में ये ना हो कि उसके साथ में कोई टेम्परिंग हुई है, छेड़छाड़ वगैरह हुई है, इस वजह से वीडियोग्राफ भी करवाया गया है सारे सारे पोस्टमार्टम को। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो प्रिंसिपल जज, डिस्ट्रिक्ट जज हैं महबूब नगर के, उनको CD पेन ड्राइव के मोड से, जो पोस्टमार्टम की CD पेन ड्राइव है वो हैंड ओवर कर दी जाए, जो कि बाद में रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के हैं उनको हैंड ओवर कर देंगे। द बेंच ऑल्सो डायरेक्टेड द डेड बॉडीज ऑफ ऑल फोर एक्यूज टू बी प्रिजर्व टिल 9th ऑफ दिसंबर। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि 9 दिसंबर तक, जो 9th ऑफ दिसंबर तक डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाए, उनको मतलब कि जो डेड बॉडीज़ है उनको मतलब कि नष्ट ना किया जाए, 9th ऑफ दिसंबर तक डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाए। और चीफ जस्टिस इस मैटर की हियरिंग जो है, कोर्ट के अंदर हियरिंग होगी इस मैटर की, वो 9th ऑफ दिसंबर को 10:30 बजे इस मैटर की हियरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी जिसमें जो लेटेस्ट लीगल करंट अफेयर के रिगार्डिंग है कि ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया है अब इस पुलिस एनकाउंटर के ऊपर। और अब मैटर सब जुडाइस है, जो भी होगा कोर्ट की जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी और लीगल अपडेट आएंगी उसके बाद में ही पता चल पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सही लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।